जिनका नाम है वरुण गांधी। आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। वरुण गांधी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं है, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों की पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं खुद भी पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ नहीं सकते हैं? क्या सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं वरुण गांधी, जिन्होंने कहा है कि वो अग्निवीरों के लिए अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार है? तो बहुत बड़ी बात है। मजाक उड़ाया जाता है, कौन सी मीडिया का मजाक उड़ाया जाता है? अब आप सभी लोग सोचते होंगे कि मीडिया का मजाक आखिर उड़ता तो उड़ता क्यों है? आखिर मीडिया को मोदी मीडिया कहा तो कहा क्यों जाता है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जनाब ये है कि देश के अंदर जब जरूरत है देश के नौजवानों को कि मीडिया उनकी आवाज उठाए, तो मीडिया आवाज उठाती है इस देश के अंदर विधायक और सरकार गिरने की। मीडिया ये नहीं दिखाती कि असम के अंदर बाढ़ आई पड़ी है। देश के अंदर ये देश अग्नि पर, जो कि देश के सरहद की हिफाजत करने वाले देश के जवान हैं। एक खबर जो कि आपको पता ही है, पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, और महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराने की इस कोशिश के चलते देश का एक सबसे अहम मुद्दा, जो भारतीय सेना का मुद्दा है, भारत देश का मुद्दा है, भारत देश के नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं इस देश की सरकार ने छिपा दिया है, या फिर कह दीजिए लापता कर दिया है। देश की गोदी मीडिया के नाम पर तमाम तरीके के मेम्स बनते हैं, तमाम तरीके की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड होती हैं। देश के अंदर मीडिया का मजाक उड़ाया जाता है, गोदी मीडिया का मजाक उड़ाया जाता है। अब आप सभी लोग सोचते होंगे कि मीडिया का मजाक आखिर उड़ता तो उड़ता क्यों है? आखिर मीडिया को गोदी मीडिया कहा तो कहा क्यों जाता है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जनाब ये है कि इस देश के अंदर जब जरूरत है देश के नौजवानों को कि मीडिया उनकी आवाज उठाए, तो मीडिया आवाज उठाती है इस देश के अंदर विधायक और सरकार गिरने की। मीडिया ये नहीं दिखाती कि असम के अंदर बाढ़ आई पड़ी है और असम के मुख्यमंत्री लापता हैं, और वो असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो विधायक की खरीद फरोख में लगे, लापता नहीं है, विधायकों की खरीद और फरोख में लगे हुए हैं। असम के अंदर की वीडियो नहीं दिखाएगी। देश की मीडिया का मजाक कुछ इन कारणों से उड़ाया जाता है, और मीडिया के कई सारे मेम्स जो है वो सोशल मीडिया पे बनाए जाते हैं। एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से देश की गोदी मीडिया का मजाक लगातार सोशल मीडिया पे उड़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, और मीडिया के ऊपर लगातार मेम्स क्यों बनते हैं। तो पहली वीडियो ये है जिसको प्ले करके दिखा रहा हूं। जी हाँ, 120 मीटर नीचे, मिट्टी के नीचे भी अगर 2000 का नोट छिपा होगा तो उसके अंदर की जो नैनो चिप है उसके जरिए आपको पता चल जाएगा। यही कुछ कारण है और यही कुछ बातें हैं जिनके कारण देश की मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, और नरेंद्र मोदी जी का इन लोगों को कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के संदेश वाहक हैं। जिस तरीके से पुराने जमाने में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे, आज मोदी जी ने कबूतरों की जगह गोदी मीडिया को रख लिया है। ये गोदी मीडिया सिर्फ इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का काम करती है और किसी का काम नहीं करती है, जिस कारण अब सोशल मीडिया पर ये जो है इस प्रकार के मेम्स बन रहे हैं, और ये मेम्स जो है आप देखेंगे और आप खुद समझेंगे कि ये मेम्स किसके लिए बना हुआ है। इसको देखकर आप लोगों को यही लग रहा होगा कि ये तो कोई गली मोहल्ले का झगड़ा है, लेकिन ये गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं, इसी प्रकार की डिबेटें जो हैं वो नेशनल मीडिया पर दिखाई जाती हैं। ये अंश जो था, ये भाग जो था, ये नेशनल चैनल के पत्रकार हैं जो कहते हैं मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, ये अर्णब गोस्वामी की ही वीडियो है जनाब, उन्हीं को लेकर जो है सोशल मीडिया पे मेम्स बन रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को लेकर सोशल मीडिया पे मेम्स बनते हैं और उनको गोदी मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपना स्तर जो है वो इतना नीचे गिरा लिया है कि आज देश के अंदर देश की मीडिया का मजाक उड़ाया जाता है। और जब यही बात देश के गृह मंत्री जी बोलते हैं कि हम और हमारी सरकार मीडिया के मामले में कुछ इंटरप्ट नहीं करती है, तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाते। अब एक वीडियो आपके सामने प्ले करना चाहूंगा, ये वीडियो देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। अमित शाह जब आज तक पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि हम
देश की मीडिया के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन वो इस बात को भी ठीक से नहीं बोल पाते, क्योंकि आदमी जब झूठ बोलता है तो वो ठीक से नहीं बोल पाता। तो ये वीडियो अमित शाह की। तो आपने देखा होगा ये वीडियो देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो ठीक से झूठ नहीं बोल पाता है और इसीलिए वो बीच में अटक जाता है। तो आप इस देश की मीडिया को गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है कि आज देश के अंदर अग्निपथ का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, आज पूरे देश के अंदर देश के नौजवान जो देश के सरहद की हिफाजत करना चाहते हैं, इस देश की हिफाजत करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा और एक अहम मुद्दा था जिसे इस देश की मीडिया ने, या कह दीजिए गोदी मीडिया ने, पूरी तरीके से छिपा दिया है। और बकायदा एक हंसी की बात यह भी है कि महाराष्ट्र के अंदर जब सत्ता गिर रही है तो कुछ लोगों का हिंदुत्व जाग रहा है, और हिंदुत्व जागने की बात तो महाराष्ट्र के एक विधायक हैं जिनका नाम है अब्दुल सत्तार। जी हां, पेशे से मुसलमान हैं, लेकिन जनाब इनका भी हिंदुत्व जाग गया है। आज इनका हिंदुत्व जागा है या डर गए हैं सीबीआई ईडी की रेड से, या डर रहे हैं जो इन्होंने घोटाले करे हैं, देश के अंदर जनता को लूटा है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के राज में गरीब जनता के पेट में डायरेक्ट पाइप डालकर उसका सारा खून चूसा जा रहा है। इस देश के अंदर अगर हम बात करें तो लोगों को, आप साफ शब्दों में कहें कि लोगों को पागल बनाना, मूर्ख बनाना बेहद आसान है, लेकिन लोगों को समझाना एक बहुत ही मुश्किल बात है। और इस देश के अंदर एक नेता है जिनका नाम है वरुण गांधी। आज मैं उनके साथ खड़ा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। वरुण गांधी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं है, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों की पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं खुद भी पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ नहीं सकते हैं? क्या सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? जी हां, ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं वरुण गांधी, जिन्होंने कहा है कि वो अग्निवीरों के लिए अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार है। तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, जब देश के नौजवान, देश की सरहद की हिफाजत करने वाले, देश के वीरों को पेंशन नहीं मिल रही है तो नेताओं को पेंशन क्यों मिलेगी? आखिर नेता करते क्या है? नेता तो इस देश में जनता के नौकर हैं, लेकिन हम लोगों की और आपकी वो देखिए कि हम नेताओं को इतनी तवज्जो देते हैं, हम उनके लिए फूल का गुलदस्ता लेके जाते हैं। अरे आप समझिए, वो इस देश के अंदर हमारे, आपके, इस देश की जनता के नौकर हैं, वो मालिक नहीं है। मालिक आप और हम हैं, वो सिर्फ नौकर हैं। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आज नंबर अग्निवीर का है तो कल को ये नंबर जलवीर का भी होगा, बिजली वीर का भी होगा, बैंक वीर का और शिक्षक वीर का भी होगा। तो आज अगर आप अग्निवीर के नाम पर चुप हैं तो कल को बैंक वीर के नाम पर भी लोग चुप रहेंगे, जलवीर के नाम पर भी चुप रहेंगे, क्योंकि सरकार किसी भी चीज को नहीं छोड़ रही है जिसका प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। सरकार प्रत्येक चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सीधे शब्दों में कहें तो निजीकरण कर रही है और जनता का शोषण कर रही है, लेकिन इस आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने 34,615 करोड़ की बड़ी बैंक धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश, डीएचएफएल। उसके बाद मुकेश अंबानी के समधी ने डीएचएफएल को खरीदा 35,500 करोड़ रुपए में, पूरी हुई डील। यानी गंगाधर ही जो है वो शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। इसके कहने का मतलब यह है कि सीबीआई ने जो 34,615 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है वो धोखाधड़ी डीएचएफएल ने की है, और डीएचएफएल को अगर किसी ने खरीदा है तो वो मुकेश अंबानी के समधी है। यानी जो शक्तिमान है वही गंगाधर है और जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। और यहीं तक इस देश में हंसी नहीं आती है, भारत देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश के पीएससी का पेपर होता है और पीएससी के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्या पेपर बनाने वाले लोग इतने बेशर्म हो गए हैं और इस प्रकार के सवाल जो है वो देश के पेपर्स के अंदर डाल रहे हैं? पीएससी के पेपर में, मध्य प्रदेश के पीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि क्या भारत को पाकिस्तान को दे देना चाहिए? और इसके अंदर तर्क पहला है कि हाँ, इसमें भारत का बहुत सा धन बचेगा। तर्क सेकंड, नहीं, ऐसे निर्णय से इस प्रकार की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पीएससी के पेपर में आ रहे हैं। कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है। आज कश्मीर में कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, लेकिन उनका मुद्दा भी इस देश की मीडिया ने छिपा दिया है, क्योंकि ये मुद्दा मोदी जी के समर्थन में नहीं था। मोदी जी के समर्थन में अगर मुद्दा होता है तो देश की गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, चाटुकार मीडिया इंडिया से बाहर भी पहुंचती है और इंडिया से बाहर भी जाकर मुंह की खाती है। इस देश के अंदर अंबानी की संपत्ति जो है 97.4 बिलियन डॉलर की हो जाती है, अडानी की संपत्ति जो है वो 122.6 बिलियन की हो जाती है, लेकिन अंधभक्तों की संपत्ति
और देश की जनता को जो है 5 किलो राशन और गेहूं के नाम पर जनता को तोल दिया जाता है। यानी इस देश की जनता की जो कीमत है वो सिर्फ 5 किलो गेहूं की है। इस देश के अंदर सरहद पर जो है लगातार तनाव मंडरा रहा है। कभी नेपाल जैसा एक छोटा सा मुल्क जिससे हमारे रोटी कपड़े के संबंध है, रोटी का संबंध है, वो नेपाल जैसा छोटा देश आज हमें आग दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल को तो जवाब दे नहीं पाते हैं, तो चाइना को क्या जवाब देंगे? नेपाल कभी हमारी जमीन पर कब्जा करता है और हमारे देश के अंदर कुछ सत्ता के ऐसे लालची लोग जो पहले सेना में थे और सेना के 6 महीने के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आज जब 4 साल सेना का कार्यकाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि ये देश हित में है। तो जनाब इस प्रकार की दलाली क्या कहलाती है ये पूरा देश जानता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।